Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is Indra Sahni versus Union of India. We will start this video with the facts of the case, followed up with the issues involved and the arguments that were made by both the counsels. Later on, we will talk about the verdict of the Apex Court, followed up with our own case summary. So now, without further ado, let's look into the PPT. So now we have jumped into the PPT of Indra Sahni versus Union of India. First, we will start with the facts of this case. ठीक है? इस केस के बारे में समझने से पहले जो है हम रिजर्वेशन के बारे में समझ लेते हैं दैट जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है वो फॉर्म्ड किया गया था इन द ईयर 1953 जिसका नाम था काका कालेकर कमीशन कि जिनका एक ही काम था दैट टू कलेक्ट द रिपोर्ट दैट विच पीपल इन इंडिया आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड. अल्टीमेटली इन्होंने 1955 के अंदर जो है अपना रिपोर्ट सबमिट किया था. ठीक है, बट इट वॉज रिजेक्टेड इन द ईयर 1961. इस चीज को गए हुए अराउंड 10-15 साल हो गए. उसके बाद सेकेंड कमीशन को जो है उसको अपॉइंट किया गया जिसका नाम था मांडल कमीशन, जिसको फॉर्म किया गया था इन द ईयर 1979, जिसके हेड थे उस टाइम के रूलिंग मतलब उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई. इन्होंने जो है 1980s के अंदर अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है सबमिट की दैट जो रिजर्वेशन कोटा है, ठीक है, उसे बढ़ाया जाए. पहले 22.5% था, अब उसे 27% कर दिया जाए फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ठीक है, बट इस चीज को इंप्लीमेंट करने से पहले नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर इंदिरा गांधी जी की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी दैट बिकेम द रूलिंग पार्टी ऑफ द इंडिया, जहां पे इस मांडल कमीशन के ऊपर कुछ एक्शंस नहीं लिए गए थे. ठीक है, बट इन द ईयर 1989 इंदिरा गांधी जी जो है प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हार गए. वंस अगेन जनता दल की पार्टी जो है वो जीती एंड उस टाइम पे मांडल कमीशन को एनफोर्स करना वॉज देयर प्राइमरी टास्क. ठीक है, कि जहां पे 27% रिजर्वेशन कोटा फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट एंड सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फर्दर 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली चैलेंज सेक्शंस विच आर नॉट कवर्ड इन एनी रिजर्वेशन स्कीम्स एंड इश्यूड क्राइटेरिया फॉर इकोनॉमिकली चैलेंज पर्सन सेपरेटली. कि जहां पे 27% जो है दैट टू फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास पीपल एंड 10% फॉर एनी पर्सन कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है इन सिविल पोस्ट एंड जॉब्स एंड एजुकेशन सेक्टर, इन सभी चीजों को जो है एप्लीकेबल करने की एक पॉलिसी फॉर्म की गई थी. इस चीज की वजह से देश के अंदर काफी सारे रायट्स हुए थे अलग अलग जगह पे. एट द सेम टाइम इस 1990s के एरा के अंदर एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑल थ्री फैक्टर्स वर अकरिंग एट द सेम टाइम जस्ट सो दैट इन सभी चीजों को कंट्रोल में लाया जाए. रिट पिटिशन वॉज फाइल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बट लेटर ऑन इस रिट पिटिशन को जो है एक हायर कोरम के बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया था एंड देयर फॉर द केस ऑफ इंदिरा सहने वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया कमेंस्ड. कि जहां पे 9 जज की बेंच बैठी थी. अभी हम इश्यूज के बारे में समझ लेते हैं. यहां पे मेनली जो है चार इश्यूज थे.
Is the reservation policy based on the caste constitutionally valid or violating the article 16 of the constitution or not? दूसरा इशू यहाँ पे ये निकल के आता है दैट शुड रिजर्वेशंस बी डिटरमाइंड बाय क्वांटिफायबल डेटा ऑन सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ओनली. थर्ड इशू इज व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लिमिट और कैप ऑन टोटल रिजर्वेशंस इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. फोर्थली शुड द क्रीमी लेयर विद इन द रिजर्व्ड कैटेगरीज बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम अवेलिंग रिजर्वेशंस. एपेक्स कोर्ट की 9 जज की बेंच के सामने जो है मेनली ये चार इश्यूज जो है वो रखे गए थे. अभी हम समझेंगे पिटिशनर के आर्ग्यूमेंट्स. पिटिशनर का सबसे पहला पॉइंट ये था दैट रिजर्वेशन जो चीज है इट इज ईविल, इट इज अ सोशल ईविल. ये लोगों के अंदर जो है वो इक्वालिटी खत्म कर देगी जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे प्रोवाइड करता है. रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वो कुछ ही इंडिविजुअल्स को जो है बेनिफिट देता है एंड बाकी सबके साथ जो है वो एक इनजस्टिस होता है. उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं मिल पाती हैं. उनका दूसरा आर्ग्यूमेंट ये था दैट अगर रिजर्वेशन पॉलिसी को लाना ही है तो एक नया कमीशन जो है वो फॉर्म किया जाए. सरप्लस टू दैट एक नया सेंसस रिपोर्ट जो है निकाला जाए दैट एक्चुअल में कितने लोग एज ऑफ नाउ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं. प्लस उस चीज के अंदर एजुकेशन का भी एड ऑन किया जाए बिकॉज ये जो रिपोर्ट्स के ऊपर हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं मांडल कमीशन रिपोर्ट दैट वॉज मेड इन द ईयर 1979 वाइल द केस was being heard in the year 1990s. 11 साल में कितना डिफरेंस आया, कितने लोग आगे बढ़े, कितने लोग अभी वहीं के वहीं हैं, उसका एक फेयर रिपोर्ट निकाला जाए. ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों की भी बात की गई इसके अंदर. फर्दर मोर दे टॉक्ड अबाउट द क्रीमी लेयर. क्रीमी लेयर के बारे में अभी आगे समझेंगे बट क्रीमी लेयर का मतलब इतना ही है कि कुछ लोग इवन दो दे बिलोंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास इन रियलिटी दे आर वेरी एजुकेटेड एंड वेरी रिच पीपल. ठीक है, कुछ लोगों की खाली सरनेम की वजह से ही जो है उन्हें सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का टैग मिल जाता है बट इन रियलिटी उनके पास काफी सारा पैसा होता है. दे आर वेल एजुकेटेड, उनको दो टाइम का खाना भी मिल रहा है, उन्हें हर एक फैसिलिटीज मिल रही है. प्लस बिकॉज दे हैव दिस पर्टिकुलर सरनेम एंड दे बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी वो काफी सारे बेनिफिट्स भी ले रहे हैं जो एक्चुअली सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास लोग हैं उनके लिए ही गवर्नमेंट ने दी है बट ये लोग फिर भी उनका फायदा उठा रहे हैं. तो ऐसे लोगों को जो है जो सोशली एडवांस्ड हो चुके हैं उन्हें इस रिजर्वेशन से एक्सक्लूड कर देना चाहिए. फर्दर मोर उन्होंने ये भी कहा दैट कास्ट शुड नॉट बी द सेंटर फॉर रिजर्वेशन. जहां पे उनकी बैकवर्डनेस सोशली इकोनॉमिकली एंड एजुकेशन जो है वो कैलकुलेट की जाए एंड उसके अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन या अलग अलग बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाए. प्लस उन्होंने ये भी बोला दैट अगर हम मांडल कमीशन को टू द लेटर फॉलो करके इम्प्लीमेंट करते हैं देन इट विल हैम्पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जहाँ पे हम हर जगह इक्वालिटी की नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन उसका डायरेक्ट वायोलेशन बन जाएगा. ठीक है, Before we move any further, let me give you an overview of our website judicialdream.com. As you can see, this is the home page. Okay, here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing. Okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. All right, so here you will find the introduction and many other things. Okay?
then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims, subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. अभी हम समझ लेते हैं रेस्पोंडेंट के आर्ग्यूमेंट्स. रेस्पोंडेंट ने सबसे पहले ये चीज बोली थी दैट टू अचीव सोशल जस्टिस कुछ लोग जो हैं हमारे सोसाइटी के अंदर वो काफी बैकवर्ड हैं. उनको ऊपर लाने के लिए इस मांडल कमीशन का इंप्लीमेंट होना इट इज वेरी मच नेसेसरी. कि उनका अपब्रिंगिंग नहीं होगा तो हम इन इक्वालिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते. प्लस जो पिटिशनर्स की आर्ग्यूमेंट्स थी रिगार्डिंग द सेंसस रिपोर्ट, इट इज कंप्लीटली बेसलेस. अगर कोई आदमी 10-11 साल पहले सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड था, देर आर चांसेस कि उसकी लाइफ के अंदर ऐसा कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं हुआ होगा. ठीक है. प्लस दे ऑल्सो स्टेटेड दैट रिजर्वेशन पॉलिसी इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड अंडर द आर्टिकल 16(4) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कि यहां पे इस चीज की वजह से हम किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं. जो लोग बैकवर्ड हैं, जो जिनका विकास नहीं हुआ है, उन्हें अपब्रिंग करने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया है. The government also argued that the reservation policy was a legitimate exercise of this constitutional provision to uplift the socially and economically backward class people. Furthermore, they also stated that while they were framing the Mandal Commission report, they have done a thorough background check on those people who are in genuine need ऑफ सच रिजर्वेशन की, जिन्हें एक्चुअल में पढ़ना है, जिन्हें एक्चुअल में कुछ अच्छा काम करना है देश के लिए, बट उनके पास जो है वो अच्छे रिसोर्सेस नहीं है कि वो अपना खर्चा निकाल पाए पढ़ाई का, आने जाने का, खाने का खर्चा, ये सब चीजें, रोटी कपड़ा मकान जैसी बेसिक नीड्स भी ठीक से अर्न नहीं कर पाते, बट उनके अंदर पोटेंशियल है. वैसे लोगों को अपब्रिंग करने के लिए ही मांडल कमीशन रिपोर्ट जो है वो लाया जाएगा. दैट वॉज द आर्ग्यूमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की बात है, ये गलत है. फर्दर मोर दे ऑल्सो स्टेटेड दैट कि इस चीज की वजह से हम डाइवर्सिटी लेके आएंगे वर्कफोर्स के अंदर, की जहां पे अलग अलग कास्ट एंड कम्युनिटी के लोग जो है वो एक साथ मिलकर काम करेंगे. बाय इंश्योरिंग एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, द गवर्नमेंट एम टू क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन दैट कुड इफेक्टिवली एड्रेस द नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ ऑल सोसाइटी. कि जहां पे सोसाइटी के सभी लोगों को फायदा हो, एज वेल एज हर एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर एक डाइवर्सिफाइड सोशल कोहेजन हो, कि जहां पे अलग अलग लोग साथ मिलकर काम करें. ठीक है. देन इफ यू लुक एट द वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट की 9 जज की बेंच ने यहां पे ये जजमेंट दिया था दैट जो ओबीसीज हैं, जिसका फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लासेस, दिस पर्टिकुलर रिजर्वेशन इज वैलिड सब्जेक्ट टू सर्टन conditions. कि जहां पे पब्लिक सॉरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर रिजर्वेशन इज वैलिड. ठीक है. बट कोई भी एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन 50% अवेलेबल सीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. हालांकि कुछ जगह पे जो है उसे जस्टिफाइड माना भी जा सकता है. प्लस कोर्ट ने यह भी एक्सेप्ट किया ऑन द बेस ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया कि ओबीसी की कैटेगरी को जो है रेगुलर लोगों से डेफिनेटली डिस्टिंक्टली देखा जा सकता है. दे एग्जिस्ट समवेयर इन द सोसाइटी. ऐसा नहीं कि
इंडिया का हर एक सिटीजन सोशली एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली स्टेबल है. देर आर सर्टन पीपल इन सोसाइटी दे डेफिनेटली रिक्वायर द हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन सोशल वेलफेयर. अदरवाइज इट विल ओनली बी रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टन पीपल. फर्दरमोर दे ऑल्सो स्टेटेड दैट रिजर्वेशन जो है वो खाली इकोनॉमिकल बेसिस पे नहीं देना चाहिए. सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड्स शुड बी द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी. इन सभी चीजों के बाद क्रीमी लेयर के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसके अंदर आते हुए सभी लोगों का जो है एक्सक्लूजन होना चाहिए और बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया. बिकॉज अल्टीमेटली जिसके पास पैसा है, जो एजुकेशन सर्विसेज को जो है वो अवेल कर सकते हैं, जो उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं, उनको ये सब चीजें नहीं मिलनी चाहिए. ठीक है, अब समझ लेते हैं क्रीमी लेयर होता क्या है. क्रीमी लेयर का सिंपल मीनिंग ये है दैट जो सोशली एडवांस मेंबर्स हैं ऑफ अ पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लास, उनका एक्सक्लूजन होना चाहिए फ्रॉम रिसीविंग एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन. ठीक है, जस्ट सो दैट द पर्पस ऑफ आर्टिकल 16(4) कैन बी सेव्ड एंड सर्व्ड प्रॉपरली. जस्टिस रेड्डी ने यह भी कहा था दैट द बेसिस ऑफ एक्सक्लूजन शुड नॉट बी सोलली इकोनॉमिक अनलेस ऑफकोर्स द इकोनॉमिक एडवांसमेंट इज सो हाई दैट इट इज नेसेसरी मीन्स ऑफ सोशल एडवांसमेंट. फर्दर मोर यहां पर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था दैट अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन जो सोशली बैकवर्ड क्लास था इन द बिगेनिंग, लेटर ऑन ही बिकेम एन IAS और एन IPS ऑफिसर और एनी अदर इंडियन सर्विस ऑफिसर, अभी उसके बच्चों को ये सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी इवन दो दे बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर क्लास, बट बिकॉज नाउ दे आर सोशली एडवांस्ड उन्हें ये सभी बेनिफिट्स जो है वो नहीं मिलने चाहिए. बिकॉज उनके फादर के पास एक अच्छी खासी सैलरी है, ही कैन अफोर्ड द एजुकेशन एंड ऑल द अदर सराउंडिंग एक्सपेंसेस. सो वैसे लोगों को जो है ये सभी चीजें नहीं मिलनी चाहिए. ये क्रीमी लेयर इस चीज के बारे में बात करता है. ठीक है, केस एनालिसिस के अंदर हम इतना ही मेंशन करना चाहेंगे दैट ओबीसीज के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी अच्छा खासा जजमेंट दिया था. इस केस को जो है मांडल कमीशन केस के बारे में भी हम इसे पहचानते हैं कि जहां पे रिजर्वेशन को प्लस लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बैलेंस करके एक प्रॉपर जजमेंट दिया गया था, जहां पे एक्चुअल में जो नीडी पीपल हैं, एक्चुअल में जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं जिनको मदद मिलनी चाहिए. फर्दर मोर क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को भी एडवांस्ड किया गया यहाँ पे, जस्ट सो दैट जो लोग इवन दो दे आर फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस बट दे आर सोशली एडवांस्ड, दोज पीपल शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स ऑफ सच रिजर्वेशन. बट टिल दिस डेट काफी जगह पे रिजर्वेशन के बारे में राइट्स होते रहते हैं, फाइट्स होती रहती हैं, बट इस हिस्टोरिकल जजमेंट की वजह से हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सभी लोगों को बेनिफिट मिले हैं, बट रेशियो इज मच हायर कि काफी सारे लोगों की जो है अपब्रिंगिंग हम लोग अभी देख सकते हैं हमारे इंडिया के अंदर. ठीक है, so by this slide our lecture is effectively over. If you guys have any doubts regarding this video lecture, then please drop a comment. If you have liked this video, then please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. If you want to learn about such videos like this in a descriptive manner,
then you can definitely log on to our website judicialdream.com, where you will find descriptive answers of cases like this as well as other provisions of the law followed up with their MCQs. So once again, I would like to thank you all and thank you very much. Have a good day.